हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ये हम लोगों का चैप्टर, इसमें 6 स्टार्ट होगा आज। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में दिया कि रिजिड बॉडी में हैव द 3 काइंड्स ऑफ द मोशन। यानी कोई अगर सॉलिड मटेरियल है तो उसमें 3 तरह के मोशन पॉसिबल हो सकते हैं। दे आर द नोन एज द फर्स्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, सेकेंड प्योर रोटेशनल मोशन एंड थर्ड होता है कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो पहले हम आते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर हमारा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता है कि दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट दे आर द मेकिंग एन इंक्लाइंड फेज एंड दिस ऑब्जेक्ट बी स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड फेज एंड दैट मीन्स देर द वन फेस बी ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ द कॉन्टैक्ट। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है कि दैट मीन्स एन ए ब्लॉक दे आर द मेकिंग द इंक्लाइंड फेज एंड दे आर द मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन बट दे आर द वन फेस इज द कॉन्टैक्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो दैट मीन्स ए बॉडी दे आर द स्लाइड ऑन ए इंक्लाइंड फेज और हॉरिजॉन्टल फेज। इन दिस केस दे आर द नोन एज द प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा हमारा है प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन क्या है कि वेन ए बॉडी दे आर द ए रिजिड बॉडी दे आर द मूविंग ऑन ए फिक्स एक्सिस। अगर कोई रिजिड बॉडी है, अगर वो अपने एक फिक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो दे आर द नोन एज द प्योर रोटेशनल मोशन। जैसे हम लोगों के फैंस का जो पोजीशन है वो क्या है, फिक्स है, बट दे आर द पोजीशन ऑफ ब्लेड आर द कंटिन्यू द चेंज। एग्जाम्पल है जैसे व्हील ऑफ द एक साइकिल दे आर द फिक्स ऑन ए पॉइंट बट व्हील आर द कंटिन्यू रोटेट एट दिस पोजीशन। और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एंड दैट मीन्स ए बॉडी इज द फिक्स एंड दैट मीन्स इंक्लाइंड फेज। जैसे मान लो अब एक इंक्लाइंड फेज पर हम एक क्रिकेट बॉल को रख दिए तो क्रिकेट बॉल कैसे रोल करेगा, दे आर द फेस बी कंटिन्यू चेंज, उसका टर्न कुछ यूँ होगा फिर उसका टर्न कुछ यूँ होगा। तो दैट मीन्स दे आर द चेंज आवर पोजिशन बट दे आर द कॉन्टेक्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस बॉडी बी कंटिन्यू चेंज। तो अब इसमें दिया कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इन सच ए मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ ए बॉडी ट्रेवल द सेम लीनियर डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम इंटरवल एज अकॉर्डिंग टू फिगर द सो प्योर द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए ब्लॉक डाउन इन द इंक्लाइंड प्लेन। फर्दर इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल आर द स्टार्टिंग लाइन द मोशन इज सेड टू बी द रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल एंड इफ द पाथ इज द कर्व्ड लाइन देन द मोशन इज द सेड टू बी द कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद हम लोग का सिस्टम आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स ए रिजिड बॉडी एट विच प्लेस दे आर द बिकम इन द फॉर्म ऑफ द सेंटर यानी इन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस। जैसे मान लो एक सिलेंड्रिकल चौक है तो अब मान लो कि यह इस पॉइंट पर क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो दिस पॉइंट वेयर दिस चौक आर द ए रिजिड बॉडी बी बैलेंस आर द नोन एज द सेंटर ऑफ मास। यानी उस पॉइंट पर उसका टोटल वेट जो है जीरो के फॉर्म में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर मास का मीनिंग होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर मास ऑफ ए सिस्टम अनेबल अस टू डिस्कस ओवरऑल मोशन ऑफ सिस्टम बाय द रिप्लेसिंग द सिस्टम्स बाय एन इक्वावेलेंट सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी वह एक सिंगल पॉइंट जहां पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बैलेंस के फॉर्म में शो हो रहा है। तो दैट मीन्स वी से दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ द बॉडी एज ए पॉइंट एट विच द इंटायर मास ऑफ द बॉडी ऑब्लिक सिस्टम ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी द कॉन्सेंट्रेट इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी सिस्टम ऑफ द बॉडी ओवर टू बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास द स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन ऑफ द बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड रिमेन्स अनइफेक्टेड। तो आप कह रहे हैं कि अगर वह बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो लेकिन जिस पॉइंट पर वह क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो दिस पॉइंट ऑफ दिस बॉडी इज द नोन एज सेंटर ऑफ मास। करे कि क्लियरली अंडरस्टूड दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए गिवन सिस्टम इज ओनली ए पॉइंट डिफाइंड मैथमेटिकली फॉर द सेक ऑफ द कन्वेंस
it is not at all necessary that the total mass of the system be actually present at the center of mass. For example, center of mass of uniform circular ring is the center of the ring where there is no mass. Similarly, there is no doubt at the center of mass of the doubt nut and iron at the center of mass. तो अब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि एक जरूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वहाँ पर होगा जहाँ पे उसके मास को देता है। मान लो एक रिंग है तो रिंग चूंकि बीच से क्या है खाली है, फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है, तो यहाँ पे तो कोई उस सिस्टम का मास नहीं दिखाई दे रहा है, यानी उस मास का कोई पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद भी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास के लिए उस पार्टिकल का कोई मास पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट हो ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास बी डिफाइन आउटसाइड ऑफ द पार्टिकल सिस्टम, वह आउट ऑफ पार्टिकल सिस्टम के बाहर भी जा सकता है, यानी वेयर द मास इज नॉट डिफाइन, जहाँ पे उसका मास डिफाइन नहीं है, लोकेट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एट एनी टाइम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द यूजुअल न्यूटन्स टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो अब कह रहा है कि हम सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसमें हमारा पहला पॉइंट हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, यानी अब हमारा अगला पॉइंट है कि अगर मान लो अगर हमारे सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं तो दो पार्टिकल्स का हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम सेंटर ऑफ मास पे डिस्कस करेंगे कि पहले हम टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल रहे हैं। तो हमारा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल्स सिस्टम। तो हम एक फिगर ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये फर्स्ट बॉडी है M1, ये सेकेंड बॉडी है M2, ओरिजिन से इसका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस R1 है, इसका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या है R2 है, यह ओरिजिन हो गया और ये थर्ड एक्सिस हम ले लिए X, Y एंड Z। अब इस दोनों को हम लाइज कर दिए, मान लो ये पॉइंट A हो गया, ए पॉइंट B हो गया और ये यहाँ पे हमने एक पॉइंट C ले लिया जो इसके सेंटर को डिफाइन करा और ये मान लो हम वेक्टर R से डिनोट कर रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा स्टेम लिखेंगे, सपोज द फर्स्ट पार्टिकल विच मास इज द M1, सेकेंड पार्टिकल विच मास इज द M2, विच डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2, ये थर्ड पॉइंट लाइज एट C, विच वेक्टर पोजिशन इज R फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ पे हमारा जो यह टर्म है अब इसको हम डिफाइन करेंगे। तो अब इस फेज में जब हम चलते हैं तो इसमें लिखते हैं OA इक्वल टू R1, OB इक्वल टू R2 और वेक्टर OC इक्वल टू हम वेक्टर R सपोज करते हैं, ठीक है। अब आप लिखते हैं कि इफ V1 एंड V2 आर वेलोसिटी, V1 एंड V2 आर वेलोसिटी ऑफ मास M1 एंड M2, तो इन दिस केस हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू dr1 बाई dt एंड V2 इक्वल टू लिख सकते हैं dr d2 बाई dt एंड दैट मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के केज में हमने इसकी वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम लिखते हैं इफ एफ वन इज एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एम वन एंड एफ टू इज एक्सटर्नल फोर्स ऑफ M2, यानी दो ऑब्जेक्ट लिए हैं M1 एंड M2, तो M1 पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स F1 है और M2 पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है F2 है। तो अब इस केस में हम लिख सकते हैं
लीनियर मोमेंटम ऑफ द, हो जाएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ एम वन पी वन इक्वल टू एम वन वी वन और पी टू इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम टू वी टू, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेला सिटी। तो अब ये हम चाहें तो इसको इक्वेशन भी जान सकते हैं, इक्वेशन नहीं बनाते हैं तभी हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम मोमेंटम पर आ जाएंगे तो अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। ये एक तो की डिफिनेशन भी है और ये इसका प्रूफिंग भी हुआ था। तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ये कहता है कि चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो इस फेज में अब आते हैं हम लोग उसमें हो जाएगा डी पी वन बाई डी टी इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वन टू, यानी फर्स्ट बॉडी पे लगने वाला फोर्स और फर्स्ट के थ्रू सेकेंड बॉडी पे जाने वाला फोर्स, यानी जो हमने बॉडी ये सब पोज किया था फिगर में, मान लो इस पर हमने फोर्स लगाया अब यह इस पर भी लगा रहा है, और डी पी बाई डी टू डी बाई डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं d by dt in bracket m1 v1 equal to f1 f2। अब इसी से समझ सकते हैं d by dt m2 v2 equal to f2 plus f2 1, यानी अब सेकेंड बॉडी का हमने मोमेंटम निकाल दिया p2 equal to m2 v2, तो अब d बाई डी टी तो p की वैल्यू m2 v2 आ गया, तो अब सेकेंड बॉडी पे लगने वाला फोर्स f2 है और फर्स्ट टू सेकेंड हो जाएगा तो 2f1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं d बाई डी टी, d बाई डी टी इन ब्रैकेट m1 v1 प्लस d बाई डी टी इन ब्रैकेट m2 v2 इक्वल हो जाएगा f1 प्लस f1 2 प्लस एफ टू प्लस एफ टू वन। तो अब यहाँ पे हमारा के जा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम एफ वन टू इक्वल टू माइनस एफ टू, तो हम एफ इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो अब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी कॉमन करते हैं तो जाएगा इन ब्रैकेट एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वन टू प्लस एफ टू प्लस एफ टू वन, तो ए कैंसिल हो गया तो हो गया डी बाई डी टी इन ब्रैकेट एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। तो जब एफ वन प्लस एफ टू, अब इसको हम इज टोटल फोर्स कैपिटल एफ सपोज कर लेते हैं, तो जब इसको हम कैपिटल एफ सपोज कर लिए तो अब इसके बाद टर्म हमारा आ जाएगा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी इन ब्रैकेट एम वन डी आर वन बाई डी टी प्लस एम टू
डी आर बाई डी टू बाई डी टी. वेलासिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इक्वल टू एफ. और फिर यहाँ पे डी बाई डी टी कॉमन है तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इन ब्रैकेट एम वन. तो यहाँ पे चूंकि डी बाई डी टी था और डी बाई डी टी हमने कॉमन लिया, चूंकि यहाँ पे डी बाई डी टी है और यहाँ भी डी बाई डी टी है, तो डी बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इन ब्रैकेट एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इक्वल टू एफ आर. अब यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद हम सकते हैं अब इस टर्म को हम दोनों साइड एम वन प्लस एम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इन ब्रैकेट एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इक्वल टू एफ का रिजल्ट आ गया. तो जब एफ का ये रिजल्ट आ गया तो इसको हम एक इक्वेशन बना देते हैं, इसको इक्वेशन हम थर्ड कर देते हैं. तो अब हम लिखेंगे फिर से होल होल मास ऑफ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट विच विच पोजिशन वेक्टर इज आर. तो इसका पोजिशन वेक्टर अगर आर है तो हो जाएगा एम वन प्लस एम टू इन ब्रैकेट डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ. और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर फोर. अब यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड फोर का कंपेयर करेंगे. तो अब यानी कि बाई कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर, तो जब हम थ्री और फोर को कंपेयर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा आर इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. अब यहाँ पे मान लो कि जैसे अगर एम वन और एम टू दोनों मास इक्वल हैं, इक्वल टू एम के बराबर हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा एम इन ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू अपॉन टू एम आ जाएगा. अगर मान लो इसमें से आर अगर जीरो है तो हमारा ये क्या आ जाएगा, पूरा रिजल्ट ही जीरो आ जाएगा, नहीं सेंटर पर आ जाएंगे तो जीरो हो जाएगा. हो सकता है कि आर वन इक्वल टू आर टू बराबर आर हो, तब हो जाएगा एम आर यानी आर इन ब्रैकेट एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. तो ये थैंक यू स्टूडेंट्स. तो ये था हम लोगों का कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल व्हेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ टू बॉडीज, अगर कोई सिस्टम दो पार्ट में है तो उसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया आर. अब यहाँ पे जो आर लिखे हैं इसको हम आर सी एम भी लिख सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम व्हेन टू बॉडीज आर गिवन विच मास इज द एम वन एंड एम टू विच पोजिशन फ्रॉम द ओरिजिन इज आर वन आर टू देन दिस रिजल्ट इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यन पार्टिकल सिस्टम, यानी कोई अब मान लो पार्टिकल है उसको यन छोटे छोटे पार्टिकल में अगर तोड़ा जा रहा है तो उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.